नमस्कार जी, नमस्कार जी कौशिक साहब, बहुत बहुत बधाई, भगवान का सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय हो, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं जी, आप ही के नाम रस्सी है। अच्छा अच्छा, और साहब नहीं आए क्या जी? वो पूरा सीधे चले गए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न ओम संपूर्ण ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः, स्वस्ति न बैठो। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा अच्छा, हम जा रहे ओम हरियाणा प्रदेशांतर्गत तत्र कुरुक्षेत्रांतर्गत जनतापुरी मंडलांतर्गत राम हरदनामने कुरुक्षेत्र तत्र कुरुक्षेत्र भूमे
दक्षिण द्वारे हे तत्रापि समंत पंतक नामने तीर्थस्य पूर्वी तटे स्थित अश्विन भगवता परशुराम सदेवालय कलयुग कले प्रथम चरणामुख संवत्सरे अशीति अधिक द्विसहस्र संवत्सर मुख मासे मासानां मासोत्तम मासे शुभे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे तृतीयायां तिथो गुरुवासरानुतायां स्वाति नामने नक्षत्र अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं कौशिक गोत्रोत्पन्न मोहनलाल शर्माहं स पत्रिको हम स परिवार हम स बंधो स मित्रो हम स स भारतीय जनता पार्टी सदस्य सहितो हम श्रुति स्मृति प्राण फल प्राप्ति आदिदेविकादि भौतिकाद मानसिक तापत्रणिवाणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध दोष परिहार्थम नैरुंज लक्ष्मी दीर्घायु धन प्राप्त विशेषता है। सोनीपत क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र तस्मिन् क्षेत्रे विजय प्राप्त करणार्थम लोकसभा सदस्यता निर्विघ्नता प्राप्त करणार्थम सर्वप्रथमं भगवतः परशुरामस्य पूजां कृत्वा जुलाना क्षेत्रस्य यात्रा स्वभाव समारभे मंगलं भगवान् मंगलं कुंडले काक्षय पृष्ठे मार्गण पूर्ण तो अनुवर्षको दंड दंडो महान बर्रिष्ठो मकमंडलो च पर संपन्न और बहन शास्त्रविद सापे शस्त्र वरे चपे सरकर श्री भार्गव भ्राते भगवते परशुरामाय नमः। हर सहितम दग्नये नमः मात्रे रेणुकायै नमः। परशुराम भगवान की जय हो। प्रसाद देव जी लो जी तो केड़े हां मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मंगलं आप हमारे पीछे हो मूर्ति आप हमारे इधर हो ठीक है जी ठीक है जय बाबा गुरु महाराज जी दिख रहे और अभी दो साल पहले फ्रांसिस अभी नया तीन करोड़ पर नया बंदर समाज बड़ी दर्द के सारा काम जय बाबा जी।
देखो जी देखो राम भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की आदर और सम्मान के योग्य मेरे इस रामराय गांव के भगवान परशुराम के मंदिर के प्रांगण में उपस्थित पूजा के योग्य सभी बुजुर्गों गांव के सरपंच पूर्व सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी नेतागण आज ये 2024 के लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने मेरे को उम्मीदवार बना के भेजा है आपके बीच में और पहला प्रवास आज जींद में है। आए तो बहुत बार हैं लेकिन प्रत्याशी बनाने के बाद आज पहली बार आया और आप सबका आशीर्वाद प्यार जिस प्रकार का उत्साह जोश आप सब लोगों के द्वारा जो आज वातावरण बना है मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच रख के जो उम्मीदवार के तौर पर आपके बीच में भेजा है नरेंद्र मोदी की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी देश के भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी और तमाम हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो जिस विश्वास के साथ जिम्मेवारी के साथ आपके बीच में भेजा हूं आप सबके सहयोग से आप सबके प्रयास से ये सोनीपत लोकसभा की सीट कम से कम 5 लाख के मार्जिन से हम जीत के नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने इस प्रकार से हम सब काम करेंगे और 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं जिस प्रकार से देश में विकास के काम हुए हैं वो सब दिखते हैं चाहे सड़कों के हों चाहे रेलवे के हों चाहे किसी भी विभाग के हों जिस भी विभाग का कोई भी काम देखोगे 2014 से पहले का उस विभाग का काम और 2014 के बाद का 10 साल में आपने बहुत सारा अंतर दिखाई देगा। बहुत सारे भाई तो जो 10 साल के बाद अपने गांव में आएंगे तो रास्ता भी पहचान में नहीं आएगा इतना परिवर्तन देश में हुआ है और बहुत सारी विकास की जो योजनाएं चली उसके बाद बहुत सारी जन कल्याण की योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं चाहे किसी भी वर्ग की हो किसान ने कभी सोचा नहीं था कि किसान सम्मान निधि भी देश के प्रधानमंत्री देंगे सरकार इस प्रकार से देगी और जो छोटे किसान हैं ये कहने को 6,000 रुपये थोड़े हो सकते हैं लेकिन जो 1 एकड़ का 2 एकड़ का किसान है जब उसके घर में 2,000 रुपये आते हैं खाद दवाई बिजली पानी की व्यवस्था उस किसान की हो जाती है और उसकी फसल बिकनी शुरू हो जाती है और जिस प्रकार से अब कोरोना के बाद लगातार आगे भी 5 साल तक 82 करोड़ लोगों के देश की आबादी 140 करोड़ है उसमें से 82 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम बहुत बड़ी योजना है। अगर पूरे यूरोप को भी जोड़ दें हम दुनिया का आधा हिस्सा अगर जोड़ दें तो इतनी पॉपुलेशन बनती है इतना बड़ा काम किया है। ये सरकार यही थी यही देश था यही करेंसी थी सब कुछ था लेकिन सोच बदली तो देश बदला है। तो आप सबसे निवेदन करूंगा इस चुनाव में जो सरकार ने काम किए हैं उसके लिए सोच बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन दिया है कि 400 पार अब की बार ये जो नारा है ये आपके परिचित पूरे देश में कहीं भी हो सकते हैं आपके मिलने वाले कहीं भी हो सकते हैं वहां तक इस संदेश को भेजें और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपील करें यही निवेदन और प्रार्थना करने आपके बीच में आया हूं और जो जिम्मेवारी इस सोनीपत लोकसभा की
आप मेरे को सौंपेंगे। ये 25 तारीख को वोटिंग का दिन है, 4 जून को गिनती का दिन है, उसके बाद मैंने आपकी सेवा करनी है, दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। आदर के योग्य कमल के निशान के साथ सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी लेकर के आए भाई मोहनलाल जी बड़ोली, उनके साथ आए भाई उमेश शर्मा जी, पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, रामरा बागनवाड़ा के जो साथी आज यहाँ आए हुए हैं और साथ में आए हुए अन्य सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं इस संस्था का मुखिया होने के नाते सर्वप्रथम मोहनलाल जी बड़ोली का और इनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मोहनलाल जी ने जो बात आपके सामने कही है, मोदी जी के जो कार्य गिनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने जो काम इस प्रदेश और देश में किए हैं और हरियाणा प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, मैं उन कामों को देखते हुए और पूरे देश का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो देश की अस्मिता, देश का वर्चस्व जो बढ़ा है, उसको देखते हुए मोहनलाल जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, केवल राम राय गांव की बात नहीं कर रहा हूं, जुलाना हल्का और जींद हल्का, मेरा, मेरी टीम का, मेरे साथ जो साथी हैं, पदाधिकारी हैं, गांव के जो सहयोगी हैं, हमारा ये कार्य क्षेत्र है, हमारी कर्म भूमि है, हम भगवान परशुराम की कर्म स्थली पर बैठे हैं और उस जगह पर बैठे हैं जहां से कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म युद्ध लड़ने के लिए कौरव पांडवों की सेनाओं ने कुरुक्षेत्र भूमि में प्रवेश किया था और उस युद्ध का परिणाम सभी समझदार लोगों को पता है कि अंत में धर्म की जीत हुई थी। मैं मोहनलाल जी को विश्वास दिलाता हूं कि इस धर्म युद्ध में भी 100% गारंटी के साथ 5 लाख की जीत के साथ मोहनलाल जी लोकसभा के अंदर होंगे। इसी विश्वास के साथ दोबारा आपके आगमन का धन्यवाद करते हुए और भगवान परशुराम से इस बात की प्रार्थना करते हुए कि वो हमारे साथी को भरपूर आशीर्वाद दें, उनका हाथ मोहनलाल जी के सिर पर रहे, ताकि आने वाली 4 जून को हम सब मिलकर के जश्न मना पाए, 400 पार के नारे को साकार होता हुआ देख पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। Thank you.